ना अफवाह है ना संसद, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। बैक सीट से ड्राइविंग सीट पर आ पाएगी कांग्रेस। 2024 के परिणाम से बढ़ा आत्मविश्वास। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी केवल और केवल कांग्रेस का ही सिक्का बुलंद हुआ करता था, चाहे वो राज्य के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान हो या अपनी पार्टी बनाने से पहले तक शरद पवार। सीएम के चेहरे बदलते रहे लेकिन कांग्रेस का परचम लहराता रहा। कांग्रेस के इस अमेक किले में बीजेपी सेना गठबंधन ने 1995 में सेंध लगा दी। मनोहर जोशी के रूप में पहली बार भगवा दल को अपना सीएम बनाने का मौका मिला, लेकिन कभी विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर अलग राह अपनाने वाले शरद पवार ने सत्ता के लिए 1999 में कांग्रेस से हाथ मिला लिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के सीएम के रूप में विलासराव देशमुख, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान के रूप में चेहरे बदलते रहे। कांग्रेस की उपस्थिति राज्य में बड़े भाई सरीखे ही रही। लेकिन 2014 के बाद प्रदेश की राजनीति में बहुत कुछ बदला। नरेंद्र मोदी के लहर पर सवार बीजेपी की पतवार ने केंद्र में अपनी सरकार बनाई और महाराष्ट्र की राजनीति में भी अपने असर को बढ़ाया और शिवसेना को भी अपनी ताकत का एहसास कराया। वहीं कांग्रेस की राजनीति 2014 के बाद से प्रदेश में एनसीपी के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। 2019 में एक नया प्रयोग भी महाविकास अघाड़ी के रूप में देखने को मिला। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम से बढ़ा आत्मविश्वास। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 17 पर चुनाव लड़ा और 13 जीतने में कामयाब रही। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट हासिल की थी, लेकिन इस साल 13 सीटें जीत ली। इससे न केवल कांग्रेस का आत्मविश्वास बढ़ा है बल्कि उसके अपने सहयोगियों के साथ बार्गेनिंग पावर भी बढ़ी। क्या होगी कांग्रेस की आगे की रणनीति? कांग्रेस की रणनीति अब खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में स्थापित करने की होगी। एनडीए में अब तक एनसीपी मुख्य विपक्ष की भूमिका में थे। एनसीपी और शिवसेना की ताकत आधे से भी कम हो गई है। महाराष्ट्र की सियासी आपदा में कांग्रेस के लिए अवसर तो है लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अंतर्कलह और नेतृत्व का अभाव। कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में अशोक चौहान जैसे कद्दावर नेता तो हैं, लेकिन शरद पवार और उद्धव ठाकरे के कद के सामने ये कहीं नहीं ठहरते। कांग्रेस को महाराष्ट्र में मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।